नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर राजीव बिंदल ने सीएम पर साधा निशाना, कहा चुनाव नजदीक आते देख ढल रहे हैं सीएम के बोल। होशियार सिंह मौत मामले में पुलिस ने किया 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार, 25 अगस्त तक भेजा रिमांड पर। मंडी में दिन दिहाड़े एक युवक के अपहरण का मामला आया सामने, पुलिस ने मामले से संबंधित एक युवक को किया गिरफ्तार। और सुंदरनगर के समीप चमुखा फोरलेन हाईवे में दरकने लगे पहाड़, अचानक से पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी गिरना हुआ शुरू। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान लगातार बदलते जा रहे हैं, जिससे लगता है कि विधानसभा चुनाव के पास आते आते मुख्यमंत्री के बोल भी ढलते जा रहे हैं। ये कहना है हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर राजीव बिंदल का। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बीते दिन वीरभद्र सिंह ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, सरकार कांग्रेस की ही रिपीट करेगी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र की ये बदलते बोल अंदर खाते बहुत कुछ कहते हैं। जिस तरह के बयान सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी व सरकार ने अपनी हार चुनाव से पहले ही मान ली है और ये संकेत दे दिया है कि सरकार भाजपा की बनने वाली है। उन्होंने कहा कि सीएम की पकड़ प्रदेश कांग्रेस और पार्टी हाईकमान में कमजोर पड़ गई है तथा इसी मजबूरी में उन्होंने बीते दिन कमजोरी भरी बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जुबानी हमले करते रहे, उन्हें नॉमिनेटेड अध्यक्ष की संज्ञा देते रहे और उन्हें बदला जाए ये बात जोर शोर से कहते रहे, लेकिन नए प्रभारी सुशील कुमार शिंदे के यहाँ आने के बाद सुक्खू सुस्त महसूस कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री की आवाज़ कमजोर पड़ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटों में बढ़ी नजर आ रही है और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पापा और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह काका की सरकार अब चलने को तैयार नहीं, सत्ता सुख से वंचित होने के खौफ से मुख्यमंत्री और उनके बेटे अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ बड़ी बगावत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए पूरी सरकार व पार्टी को दांव पर लगा दिया है, जिससे पार्टी के कई नेता बगावत पर उतर आए हैं। रिपोर्ट के चैनल। बैजनाथ के बचत भवन में हुए यूथ कांग्रेस सम्मेलन के बाद मीडिया को जारी बयान में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व सीएम पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा गुंडागर्दी फैलाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने में माहिर है। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा मुद्दाहीन पार्टी है और चुनाव लड़ने के लिए आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संवेदनशील गुड़िया प्रकरण को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है और हर पार्टी हिमायती बनने की कोशिश कर रही है। जनता किस दल पर विश्वास जताती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने घटिया राजनीति करते हुए गद्दी समुदाय के लोगों को भड़काया है तथा इस प्रकरण में किशन कपूर ने तो सभी हदें लांघ दी। उन्होंने कहा कि चाहे गुड़िया प्रकरण हो, चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र के तीसा में घटनाक्रम हो या गद्दी समुदाय की बात हो, भाजपा नेताओं ने आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर राजनीति रंग देकर चुनावों से पहले मुद्दा बनाने की कोशिश की है। गद्दियों के मुद्दे पे जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले उन्होंने शिमला में गुड़िया कांड के ऊपर राजनीति करी, फिर जिला चंबा में तीसा में उन्होंने वहाँ पे भी राजनीति एक मुद्दे पे करी और अब जिस तरह की राजनीति ये यहाँ पे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि किशन कपूर जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको इस तरह की तुच्छ राजनीति जो है शोभा नहीं देती है। वो जहाँ तक गद्दी कम्युनिटी की वेलफेयर की बात है, हिमाचल प्रदेश में अगर किसी ने गद्दी कम्युनिटी का वेलफेयर किया है और उसके बारे में सोचा है तो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने सोचा है। जो एक गद्दी वेलफेयर बोर्ड हिमाचल सरकार ने, पिछली सरकार ने बनवाया, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बनवाया।
यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा कि इस बार चुनावों में किन किन युवा नेताओं को टिकट मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि टिकट देना आला कमान के हाथ में है, लेकिन जीतने वाले युवा व NSUI नेता को टिकट दिलवाने के लिए पक्ष रखा जाएगा। हाई कमान जहां से भी उन्हें उम्मीदवार बनाती है, वे वहां से लड़ने के लिए तैयार है। मेरा किशन कपूर जी को यही सुझाव रहेगा कि जो विकास के कार्य उनके समय में अगर कोई हुए हैं, उसके बेसिस पे वो BJP का समर्थन, लोगों का समर्थन मांगे, क्योंकि धर्मशाला के अंदर माननीय सुधीर शर्मा ने बहुत से काम करवाए हैं और जहां उनको आज डर समाया हुआ है कि अगले चुनाव जो है वो पूरी तरह से हारेंगे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। होशियार सिंह मौत मामले में पुलिस ने 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को अदालत ने 25 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया है। वन रक्षक होशियार सिंह मौत मामले में पकड़े गए 4 अन्य आरोपियों को अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन सभी आरोपियों को करसोग थाना की टीम ने पिछले कल ही गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपी फरार बताए जा रहे थे। पुलिस ने मृतक होशियार सिंह का जो मोबाइल बरामद किया था, उस मोबाइल में इन बन काटों की तस्वीरें कैद थी, जिसमें ये बन कटान करते हुए दिखाई दिए हैं। उसी आधार पर पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। पिछले कल पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली और सोमवार को पुलिस ने इन्हें सुंदरनगर स्थित अदालत में पेश किया। अदालत ने इन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। SP मंडी अशोक कुमार ने रिमांड पर भेजे जाने की पुष्टि की है। बता दें कि अब पुलिस रिमांड के दौरान इन बन कटुओं से पूरे मामले को लेकर गहन पूछताछ करने वाली है। इस मामले में 4 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है, उसको 25-8 तक पुलिस रिमांड दिया गया है और जो फर्दर कार्रवाई उसी अनुसार की जाएगी। जो होशियार सिंह था, उनका डेड बॉडी मिली थी, डेड बॉडी के साथ एक मोबाइल फोन मिला था। मोबाइल फोन को FSL में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी रिकवरी के लिए भेजा गया था। तो जब उसकी हमको रिपोर्ट आई, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स पुलिस को प्राप्त हुए। उन फोटोग्राफ्स के आधार पर कुछ लोग जो पेड़ काट रहे थे या पेड़ कटान में इन्वॉल्व थे, उन फोटो को पहचाना गया। उन फोटो को पहचानने के आधार पर ही इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि अब पुलिस रिमांड के दौरान इन बन काटों से पूरे मामले को लेकर गहन पूछताछ करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी शहर में दिन दिहाड़े एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को मंडी शहर में दिन दिहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया गया। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने युवक को गाड़ी सहित अपहरणकर्ताओं के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। घटना मंडी शहर में HDFC बैंक के बाहर की है। यहां कुछ युवकों ने एक युवक को जबरदस्ती गाड़ी में डाला और उसे अपने साथ ले गए। यहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मात्र 30 मिनट में सभी को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अपहृत युवक अंशु ठाकुर की शिकायत पर मामला दर्ज करके हैप्पी ठाकुर नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चालक रविंदर और कुलदीप से पूछताछ की जा रही है, जबकि 2 युवक इस मामले में फरार बताए जा रहे हैं। लगभग 10 बजे मॉर्निंग में हमारे को एक वीडियो शेयर हुआ हमारी मंडी पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया विद इन 30 मिनट्स और एक आदमी को अरेस्ट किया है और 2 आदमी को डिटेन करके रखा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को ये सभी युवक एक साथ थे। अंशु ठाकुर और एक अन्य युवक रात को अलग हो गए। इनमें से एक युवक किसी को बताए बिना अपने घर चला गया। बाकी युवक अंशु ठाकुर को इसलिए पकड़ कर ले जा रहे थे कि उसे यह पता कर रहे थे कि जो घर जा चुका है वह कहां पर है, क्योंकि बाकी युवकों ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वह युवक पहले ही घर पहुंच चुका है। पुलिस ने प्रथम दृष्टि में पाया कि इन सभी ने नशा कर रखा था। अभी इन सभी का मेडिकल करवाया जा रहा है और उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें ये पता चला है कि ये लोग आपस में नोन थे और कुछ पर्सनल मसले को लेकर कुछ गलतफहमी थी, जिसकी वजह से इसको जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया है। इस केस में 2 लोगों की और पुलिस तलाश कर रही है। मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो मेडिकल रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग उस वक्त थोड़े नशे के इन्फ्लुएंस में थे, पर इसका पता तभी चल पाएगा जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएंगी।
सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के बाद यह वीडियो वायरल हो गया और शहर में दिन दिहाड़े अपहरण की चर्चा होने लगी। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले को सुलझा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC, प्रिपरेशन सिंस 2000। स्पेसिफिक कोचिंग स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल टेस्ट, बैंक, पोस्ट ऑफिस क्लर्क्स टेस्ट, TGT-R, साइंस टेट, JBT, आर्ट्स साइंस। कोचिंग डिवीजन पडल टाउन मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्टेड फॉर आल्सो प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निकल कॉलेज लोकेटेड एट बिजनी मंडी इन द ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोविजन फॉर ऑल कैटेगरीज। सो प्लीज कॉन्टैक्ट 01905-2377-60, 94180-25164, 94189-35003। सुंदरनगर के 4-लेन हाईवे पर पहाड़ी दरकने का मामला सामने आया है। सोमवार को लगभग 12 बजे अचानक से पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी गिरना शुरू हो गया। स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से ट्रैफिक को रोका गया और एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया गया। प्रदेश में जगह जगह पर पहाड़ों का दरकना भी है। सोमवार को 12 बजे सुंदरनगर के 4-लेन हाईवे पर अचानक से पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी गिरना शुरू हो गया, जिस कारण एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से ट्रैफिक को रोक दिया गया और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया। लोगों ने तुरंत प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया, जिसके बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक को वन वे कर दिया। इस मौके पर तहसीलदार वेद प्रकाश ने सड़क से निचली साइड रहने वाले लोगों को समय रहते घर खाली करने का नोटिस दिया, ताकि कोई और कोटरूपी जैसा हादसा न हो। इस लैंडस्लाइड का 4-लेन के अधिकारियों ने भी मौका किया। ह्यूज लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से हमारी जो 4-लेन की हिल साइड की 2 लेन्स बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है और जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। बैरिकेडिंग हमने कर दी है, करवा दी गई है और साथ में इसको दूसरी लेन पे डाल दिया। ट्रैफिक निर्माण चल रहा है, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर एहतियात के तौर पर पुलिस के जवान लगा रखे हैं राउंड द क्लॉक। और अभी जो 4-लेन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अभी विजिट किया है, उनकी एडवाइस ये है कि फिलहाल इसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं। अभी जो पोजिशन हुई है ये फिलहाल इसको भी ऑब्जर्वेंस में है। ये ऑब्जर्वेंस करने के बाद 2-3 दिनों के बाद देखते हैं कितना सिलेक्ट होता है, उसके बाद कोई अगला इसमें कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल हम लोगों ने एहतियात के तौर पे ट्रैफिक को दूसरी जगह डाल दिया है और पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ हमने तैनात कर दिए हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहेंगे। इसके अलावा जो वैली साइड की तरफ को जो 2 मकान हैं उन लोगों को भी सुरक्षित जगह जाने के लिए हमने नोटिस दे दिया है। उनके भी नए मकान बने हुए हैं, ये अभी इसको खाली करके नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाएंगे, सो दैट कि ये कोई अनहोनी। ये जो यहाँ पे चौमुखा के नज़दीक सिंधुनगर के पास ही लैंडस्लाइड आया है, ऊपर दिखा रहे हैं इस लैंडस्लाइड। इससे जो ये 4-लेन बनी, इसमें एक साइड का रोड बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन भाग्य से एक साइड का रोड अभी थ्रू है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चली हुई है। एक साइड से ट्रैफिक को रोकने के लिए हमने अपनी बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस पर्सन लगातार इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। बता दें कि इस लैंडस्लाइड में स्थानीय लोगों की लगभग 3 बीघा जगह दरक कर सड़क पर आ गई है और आगे भी खतरा बना हुआ है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC, प्रिपरेशन सिंस 2000। स्पेसिफिक कोचिंग स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल टेस्ट, बैंक, पोस्ट ऑफिस क्लर्क्स टेस्ट,
टीजीटी आर्ट, साइंस टेट, जेबीटी आर्ट साइंस, कोचिंग डिवीजन पडल टाउन मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्टेड फॉर आल्सो प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निकल कॉलेज लोकेटेड एट बिजनी मंडी इन द ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोविजन फॉर ऑल कैटेगरीज। सो प्लीज कॉन्टैक्ट 01905-2377-60, 94180-25164, 94189-35003। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ के आह्वान पर मंडी जिला में भी बीते 6 दिनों से ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर हैं। इसके कारण गांव में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी ग्रामीण डाक सेवकों ने सोमवार को शहर में एक रैली निकाली और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला। मंडी शहर के मुख्य डाकघर से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण डाक सेवकों ने रैली निकाली, जो कि पुराना बस अड्डा होते हुए हेड पोस्ट ऑफिस के बाहर आकर संपन्न हुई। रैली के दौरान मौजूद ग्रामीण डाक सेवकों ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ भी नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन भी किया। ग्रामीण डाक सेवकों ने सरकार को चेताया कि वे तब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता। ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के मंडी मंडल के प्रधान अनिश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि उनकी प्रमुख मांग 7वें वेतन आयोग को जल्द लागू करने, कमलेश चंद्रा समिति की सिफारिशों को लागू करना, ग्रामीण डाक सेवकों का कार्य समय 8 घंटे करना, माननीय कैट व मद्रास पेंशन के फैसले को लागू करना आदि शामिल है। 6 दिन से जो हड़ताल का प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए हमने भारत सरकार गवर्नमेंट को पहले नोटिस दिया था, उसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं और हमारी मेजर डिमांड जो है, जो कमेटी कमलेश चंद्रा की रिपोर्ट है उसको लागू करना और जीडीएस को स्थायी नीति के तहत लाकर इनकी ड्यूटी जो है 8 घंटे करना, ये है। और जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू रहेगी, जारी रहेगी और कोई भी ताकत नहीं है इस स्ट्राइक को फेल करने के लिए, क्योंकि हम जो है जीडीएस पूरा कंधे से कंधे चढ़ा है और हमारा मंडी मंडल में 100% स्ट्राइक चल रही है इस वक्त। तो हमने भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, ये डू एंड डाई स्ट्राइक है। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक इसके वापसी का मतलब नहीं हो जाता। मैं भारत सरकार को इस मंच के माध्यम से सचेत कराना चाहता हूं कि गांव के 80% लोग जो गांव में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनका जो चिट्ठी पत्री पार्सल रजिस्ट्री मनी ऑर्डर वो ग्रामीण डाक सेवकों के द्वारा ही उसका दान प्रदान होता है। तो जब से ये स्ट्राइक चली हुई है तब से ये व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। ग्रामीण डाक सेवकों ने चेताया कि अगर केंद्र सरकार समय रहते इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल की वजह से आम ग्रामीण लोगों को होने वाली परेशानी के लिए सीधे तौर पर सरकार ही जिम्मेवार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। एलपीजी गैस के संकट ने जिले में गृहिणियों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। आलम यह है कि 20 दिन पहले बुकिंग करने के बावजूद उपभोक्ताओं को सप्लाई नहीं मिल रही है। यह जिला मुख्यालय मंडी का हाल है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो जुलाई माह से ही एलपीजी गैस की सप्लाई पर ब्रेक लग गई है। हालांकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी जिला मुख्यालय और शहरी क्षेत्रों में सप्लाई बहाल होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर गैस एजेंसियों में कर्मचारी गैस सप्लाई न मिलने का बहाना लगा रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। किराए के घरों में रह रहे अधिकतर नौकरी पेशा लोग और स्टूडेंट होटलों में ही खाना खा रहे हैं, इससे इन परिवारों का बजट भी गड़बड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इससे भी बुरा हाल है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी के चूल्हों से कुछ हद तक लोगों को राहत मिल रही है, जबकि शहरों में तो कई घरों में 20 दिनों से चूल्हे तक नहीं चल सके। परिवार समेत शहरों में किराए के घरों में रह रहे नौकरी पेशा लोगों का तो एलपीजी सिलेंडर न मिलने से बजट बिगड़ गया है। कई घरों में 20 दिनों से चूल्हा नहीं चला है, जिससे ये परिवार होटलों में ही खाना खाने को विवश हैं, इससे इन परिवारों का बजट भी बिगड़ गया है। लोगों का कहना है कि बुकिंग करवाए 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं मिली है। कई बार एजेंसियों की कार्यालय के भी चक्कर लगाए हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। लोगों का कहना है कि कई दिनों से होटलों में उन्हें खाना खाना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। एजेंसी में कर्मचारी सप्लाई न आने का बहाना बना रहे हैं, वहीं अधिकारी शहरों में सप्लाई बहाल होने का दावा कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बी के सुंदरदयाल ने कहा कि जिला मुख्यालयों में सप्लाई दुरुस्त कर दी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई में थोड़ा समय लगेगा। गत माह 20 जुलाई से एलपीजी की सप्लाई न मिलने से दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन अब समस्या का समाधान कर दिया गया है, जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई बहाल होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर राजीव बिंदल ने सीएम पर साधा निशाना, कहा चुनाव नजदीक आते देख ढल रहे हैं सीएम के बोल। होशियार सिंह मौत मामले में पुलिस ने किया चार अन्य लोगों को गिरफ्तार, 25 अगस्त तक भेजा रिमांड पर। मंडी में दिन दहाड़े एक युवक के अपहरण का मामला आया सामने, पुलिस ने मामले से संबंधित एक युवक को किया गिरफ्तार। और सुंदरनगर के समीप चमुखा फोरलेन हाईवे में दरकने लगे पहाड़, अचानक से पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी गिरना हुआ शुरू।